आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं NMT न्यूज। NMT न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर एक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग ला रही है। अब प्रदेश के युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश में सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। यह उपलब्धि वैश्विक महामारी कोरोना और प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बावजूद दर्ज की गई है। सीएम योगी ने पिछले 5 साल में बीमारू राज्य के रूप में गिने जाने वाले प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रदेश में विभिन्न विभागों की 21 से ज्यादा नई नीतियां लागू की गई है और इस ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें दूसरे पायदान पर पहुंचा है। इसी का नतीजा है कि पिछली कई सरकारों की तुलना में प्रदेश में पहली बार 4,68,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 3.5 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। MSMI के ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में PMEGP के तहत देश में सबसे ज्यादा उद्योग लगे हैं। PMEGP में वित्त वर्ष 2021-22 में 110% की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में 1,464 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से 11,107 इकाइयां स्थापित हुई है और अप्रत्यक्ष रूप से 96,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। PMGP में राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों ने 91% उपलब्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर 2,867 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 2,603 करोड़ रुपए की ही पूर्ति हुई है, जबकि प्रदेश में 110% की उपलब्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 110 करोड़ के सापेक्ष 148 करोड़, जिला उद्योग केंद्र 146 करोड़ के सापेक्ष 165 करोड़, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने 77 करोड़ के सापेक्ष 51 करोड़ रुपए की उपलब्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने मिलकर इकाइयों को करीब 366 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए हैं, जबकि लक्ष्य 334 करोड़ रुपए ही निर्धारित था। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को PMEGP में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति न कर पाने वाले राज्यों के जो पैसे बचे उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में उपयोग किया है। दूसरे राज्यों के पैसों से प्रदेश में लक्ष्य से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड 13% ब्याज 3 साल तक देता है। अधिकतम 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 8,75,000 रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं। इकाई को 3 साल तक सफलतापूर्वक चलाने के बाद दोबारा इकाई के विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन पुनः लिया जा सकता है। इस पर भी 15% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।